हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड जय माता जी टू एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो भी आप देख रहे हैं कि मैं मॉर्निंग में जोगर्स पार्क का व्यू दिखा रही हूँ। वो इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे एक पूछा गया था कि आपके यहाँ पे ठंड कितनी रहती है। तो ये मॉर्निंग का टाइमिंग है, अराउंड 7:30 का। तो किसी ने स्वेटर भी नहीं पहना है, ना किसी ने शॉल ली है। नॉर्मल जैसे रूटीन के कपड़े रहते हैं डेली के, वैसे ही कपड़ों में सब वॉक कर रहे हैं। किसी ने शॉर्ट्स भी पहना हुआ है, किसी को ठंड, मतलब ठंड है ही नहीं यहाँ पे। तो बस क्लाइमेट ऊपर से दोपहर में थोड़ा सा गर्म भी रहता है, तो कभी कभी तो फ़ैन की ज़रूरत भी लगती है। और ऊपर से किसकी बनियान जो है मेरे बालकनी में आके गिर गई है। अभी कौन से फ्लोर से आई होगी वो भी पता नहीं है मुझे, अभी ढूंढना पड़ेगा इसके ओनर को भी। आज मुझे बनाना है घी, तो मैंने मलाई निकाल के उसमें से बटर कर लिया है और बस अभी मैंने घी बनाने के लिए रख दिया है। तो अभी मैं घी बनाऊंगी, साथ में दूसरा काम भी निपटाऊंगी। और आज घी बनाने के बाद जो लेफ्ट ओवर बचता है उससे मैं गाजर का हलवा बनाऊंगी। तो प्लीज़ वो रेसिपी ज़रूर देखिएगा आप। तो मैं गई थी बिग बाज़ार, तो मैं वहाँ से भिंडी लेके आई थी क्योंकि कृता श्रुति को भिंडी बहुत ही पसंद है और वहाँ पे अच्छी थी। तो अभी मैं उसे वॉश करके फिर कपड़े से पोंछ के थोड़ा टाइम के लिए बाहर सूखने के लिए रख दूँगी। फिर मुझे भिंडी की सब्ज़ी बनानी है आज। मैं जब भी घी बनाती हूँ तो मैं किचन के बाहर का काम ज़्यादातर करती ही नहीं हूँ, किचन का ही काम सारा निपटाती हूँ। क्योंकि घी को बार बार हिलाना पड़ता है ताकि वो नीचे बैठ ना जाए। अगर वो बैठ जाएगा तो उसका जो मावा निकलेगा वो जल जाएगा, ब्राउन कलर का हो जाएगा। और मैं उससे स्वीट बनाती हूँ हमेशा, तो मावा जला हुआ रहेगा तो उससे स्वीट जो है वो अच्छी नहीं बनेगी। साथ ही मैं रोटी बनाने का आटा भी गूंथ लूँगी। तो आज इस पतीले में मैंने दूध निकाला हुआ था तो वो खाली हो गया, तो उसी में मैंने आटा गूंथ लिया। तो घी बन चुका है तो मैंने उसको साइड में कर दिया है और भिंडी की सब्जी को फ्राई कर लिया है। बहुत ही बेसिक सी सब्जी है एक्चुअली। ये भिंडी की सब्जी मुझे और राकेश को नहीं पसंद आती है, हमें थोड़ी और मसाले वाली और ग्रेवी वाली अच्छी लगती है। बट कृता श्रुति को इस तरह सी बेसिक सी सिंपल सी सब्जी अच्छी लगती है, तो मैं वैसे ही बना के देती हूँ। और साथ ही मैं अनार छील रही थी। ये 2-3 दिन हो गए मेरी मम्मी ने भिजवाए थे बट मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो आज साथ में मैं ये भी छील देती हूँ। तो घी जो है वो ठंडा हो चुका है तो मैं अभी उसे स्ट्रेन कर लूँगी। और घी जो है थोड़ा सा नीचे बैठ गया था देखिए, बट थैंकफुली कि पूरा मावा जो है वो जला नहीं है, अदरवाइज मैं इसे हलवे में नहीं डाल सकती थी। फिर अभी जो मावा बचा है वो उसको मैं छोटी सी छन्नी में निकाल के इसे छोटे से बर्तन में पूरा दबा दबा के जो घी जो रहेगा वो निकाल लूँगी और जो मावा जो है वो साइड में मैं रख दूँगी। इस तरह से दबा के जो भी एक्स्ट्रा घी जो है अंदर वो निकल जाएगा। वैसे घी तो रहेगा ही मावे में, इतना पूरा नहीं निकलेगा, बट जो भी दबा के जितना हो सकेगा उतना मैं निकाल लूँगी। और ये मावा देखिए बिल्कुल भी ब्राउन नहीं हुआ है, मैंने वाइट ही रहा था तभी निकाल दिया था। घी जो है वो अच्छे से कुक हो चुका है, बस ये एक्स्ट्रा घी जो है वो मैं निकाल रही हूँ। तो मैं अभी बस गाजर का हलवा बना रही हूँ। तो मैंने लोहे की कढ़ाई में गाजर को ग्रेट करके लिया हुआ है और ये जो स्पेचुला है वो मैंने घी बनाने के लिए यूज़ किया था, तो उसी से मैं गाजर को हिला रही हूँ। और कहते हैं कि लोहे की कढ़ाई में अगर कोई भी मिठाई बनाई जाए तो वो बहुत ही टेस्ट में अच्छी बनती है। और गाजर का हलवे के लिए तो बोला जाता है कि उसका कलर भी जो है वो बहुत ही अच्छा आता है, तो इसीलिए मैंने आज लोहे की कढ़ाई में गाजर का हलवा बनाया है। तो मैंने ग्रेटेड गाजर में कुछ भी नहीं डाला है, घी भी नहीं डाला है, बस ऐसे ही मैं गाजर को रोस्ट कर रही हूँ। तो गाजर का हलवा तो मैं लंच के बाद बना रही थी, इवनिंग में बना रही थी, तो साथ में मैं डिनर की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ ताकि स्लो फ्लेम पे गाजर का हलवा भी बनाऊँ और डिनर की तैयारी भी बाजू में होती जाएगी। डिनर में मुझे बनाना है खिचड़ी और कढ़ी, तो इसके लिए मैं खिचड़ी के लिए दाल चावल जो है वो अभी से भिगो दूंगी। और गाजर को भी देख के थोड़े से श्रिंक हो चुके हैं, मैं स्लो फ्लेम पे उसे सिर्फ कुक किए जा रही हूँ। कृतांश को है ना घी खाना पसंद नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ कभी भी खिचड़ी या कुछ और ऐसी चीज़ बनाती हूँ ना
तो घी अंदर कुक करने के टाइम ही ऐड कर डालती हूँ, ताकि ऊपर से अगर वो घी भी ना ले तो फिर चल जाए। तो गाजर जो है पक चुके हैं, मैंने सूखा ही उसको पकाया है, अंदर घी ऐड नहीं किया हुआ था। अभी मैं अंदर ऐड करूँगी शुगर, ताकि शुगर ऐड करूँगी तो क्या होगा, शुगर जो है उसकी कैरेमल होगी, तो कैरेमल होने से क्या होगा कि जो गाजर का हलवे का कलर जो है वो बहुत ही अच्छा आएगा। खिचड़ी को तो मैंने भिगो दिया है, तो अभी बाजू में मैं तैयारी करूँगी कढ़ी की, तो कढ़ी तो मैं बना दूँगी, खिचड़ी तो मैं अभी नहीं बनाऊँगी, उसको सिर्फ मैंने सोक करके हुए रखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए गाजर के हलवे में शुगर ने अपना पानी छोड़ दिया है, और जैसे ही पानी बर्न हो जाएगा मैंने जो वो मावा निकाला था वो ऐड कर दूँगी, और मैंने उसके हिस्से का भी शुगर ऐड कर दिया है, और घी मैं इसके लिए नहीं ऐड कर रही हूँ, ताकि वो मावे में जो निकाला हुआ है मैंने उसमें ऑलरेडी घी है, तो एक्स्ट्रा घी जो है वो मैं ऊपर से ऐड नहीं करूँगी। शुगर डालने के बाद जो पानी निकला हुआ है वो पूरी तरह से बर्न हो जाए तब तक मैं उसे चलाती रहूँगी। तो फ्रेंड्स ये कोई ऑथेंटिक रेसिपी नहीं है, ये मेरी अपनी रेसिपी है। जब भी मैं घी बनाती हूँ तभी मैं, इस गाजर का सीज़न रहता है तो ये हलवा ज़रूर बनाती हूँ, ताकि जो वेस्ट चीज़ निकलती है उसका बेस्ट यूज़ हो। तो हलवा जो है पूरी तरह से ड्राई हो चुका है, जो पानी जो अंदर था वो शुगर का वो पूरा जल चुका है, बर्न हो चुका है। तो अभी इसी स्टेज में मैं जो मावा निकला हुआ था उसे ऐड करूँगी, और थोड़ा थोड़ा ऐड करती जाऊंगी और मिक्स करती जाऊंगी, ताकि ज़्यादा भी न हो जाए मावा। वैसे तो मेरे पास जो जितना मावा निकला है ये इतने गाजर के हलवे के लिए परफेक्ट उतना मावा रिक्वायर्ड है और उतना ही निकला है। आप चाहे तो अंदर दूध भी ऐड कर सकते हो, बट मैं दूध नहीं ऐड करने वाली हूँ आज, क्योंकि मावा है जो सफिशियंट है, काफ़ी है, तो मैं दूध नहीं ऐड करूँगी। काफ़ी बार दूध भी ऐड कर डालती हूँ मैं, हर टाइम मैं अलग अलग इंग्रेडिएंट्स किस हिसाब से मेरे पास है उस हिसाब से मैं गाजर का हलवा बनाती हूँ। और ये मावा जो है बिल्कुल भी खट्टा नहीं है, कड़वा नहीं है, बिल्कुल भी गंदी सी स्मेल नहीं आ रही है। इसके लिए आपको मेरे घी बनाने की रेसिपी जो है मैंने अलग से वीडियो अपलोड किया हुआ है उसका, उसे आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप मलाई में दही डाल के घी बना रहे हो तो फिर आप उस मावे को इस गाजर के हलवे में यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो धीरे धीरे करके मैंने सारा जो मावा निकला हुआ था उसे ऐड कर दिया है, शुगर मैंने पहले से ही उस हिसाब से ऐड की हुई है। अगर कोई बिना घी डाले हलवा बनाना चाहता है तो पहले गाजर और शुगर को रोस्ट कर ले, फिर मिल्क डाले और उसे कुक कीजिए, अंदर घी नहीं डालेंगे तो भी गाजर का हलवा जो है वो अच्छा ही बनेगा। अगर किसी के पास लेफ्ट ओवर फॉर्मूला मिल्क का पाउडर पड़ा हुआ है, बच्चे नहीं पी रहा है और एक्सपायरी नहीं हुई है, तो आप इस स्टेज में जहाँ पे मैंने मावा ऐड किया वहाँ पे आप फॉर्मूला मिल्क का पाउडर 2-3 चम्मच या अपने हिसाब से ऐड कर दीजिए। पहले आप थोड़ा सा डालें, टेस्ट कीजिए, अगर आपको टेस्ट अच्छा लगता है तो और थोड़ा ऐड कीजिए। और मैंने इसमें किसी भी तरह के ड्राई फ्रूट्स ऐड नहीं किए हैं, सिर्फ इलायची पाउडर ऐड किया है हलवे में, और आप हलवे का कलर भी देखिए काफ़ी अच्छा आया हुआ है। अभी इस हलवे को तब तक कुक करना है जब तक हलवा जो है वो कढ़ाई को छोड़ दे, मींस कि हलवा जो है वो कढ़ाई में अच्छे से घूमे। अभी आप देखेंगे किस तरह से मैं घुमा रही हूँ, बट वो घूम नहीं रहा है, थोड़े टाइम बाद जो हलवा है वो अच्छे से गोल गोल घूमेगा। अभी देखिए थोड़े मिनट्स मैंने कुक किया और हलवा देखो ईजिली कढ़ाई में जो है वो घूम रहा है, इसका मतलब कि हलवा जो है वो रेडी हो गया है। ये लोहे की कढ़ाई है, इसके लिए तुरंत ही मैं हलवा जो है वो किसी और बर्तन में ट्रांसफ़र कर दूंगी, तो यहाँ पे जो मैंने जिसमें मावा निकाला था उसी में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो कृताश्रुति को गाजर का हलवा बहुत ही पसंद है, मैं जब से बना रही हूँ तब से बोल रहे मम्मी कब बनेगा, मम्मी कब बनेगा। तो गर्मा गर्म हम तीनों है जो खा लेंगे, राकेश तो फिलहाल अभी घर पर नहीं है, तो अभी थोड़ा विंटर की वजह से थोड़ा ठंडा रहता है, तो गर्मा गर्म हलवा जो है वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं हलवा खाते जाऊंगी, और बाजू की कढ़ाई में मैंने कढ़ी को तड़का दे दिया था, तो मैंने कढ़ी जो घी बनाया था उसी बर्तन में मैंने बनाई, ताकि मुझे फिर क्लीन करने में बर्तन इजी रहे। ऐसे भी मैं कढ़ी बनाती हूँ तो घी का तड़का देती हूँ, तो इसी कुकर में मैंने कढ़ी को तड़का दे दिया। हाय फ्रेंड्स, मॉर्निंग से मैं काम में बिजी थी तो डायरेक्टली आपसे बात नहीं हो पाई, सोचा अभी बात कर लूँ। कृताश्रुति अंदर बेडरूम में चले गए सोने के लिए और मैं राकेश का वेट कर रही हूँ। तो
तो मेरे एक सब्सक्राइबर से, उनका नाम अनीशा है, उन्होंने मुझे पूछा था कि आपके यहाँ पे ठंड कैसी होती है। तो हमारे यहाँ पे ठंड ज़्यादा नहीं होती है, बहुत ही कम होती है, और जैसे कि स्वेटर या कुछ इतना पहनना नहीं पड़ता है, घर में तो नॉर्मल कपड़े में ही हम घूमते हैं, लेकिन कभी रात के टाइम बाहर गए या मतलब मीन्स के बाइक पे या कहीं पे तो थोड़ा बहुत पहनना पड़ता है, अदरवाइज़ इतना कूल क्लाइमेट, एकदम ठंडा क्लाइमेट नहीं है। आफ्टरनून में तो गर्मी भी लगती है, कभी फ़ैन भी चालू करना पड़ता है। बीच में दो दिन थोड़ी ठंड हुई थी और उस व्लॉग में जिसमें मैंने ब्लैक टी शर्ट पहना हुआ है और कैप लगाया हुआ था एंड में बर्तन घिस रही थी, वो दो दिन ठंड सिर्फ गिरी थी। और वो दिन दो दिन में क्या हुआ था कि पैराशूट ऑयल जो आता है कोकोनट ऑयल, वो भी घी तरह सेट हो गया था। तो मैं कुर्ता श्रुति को बाल में जब लगाने गई तो मैंने स्पून से निकाला, तो कुर्ता श्रुति बोल रहे मम्मी घी क्यों लगा रहे हो बाल में, हमें घी नहीं लगाना है। मैंने बोला ये घी नहीं है, ऑयल है, ये इस तरह से सेट हो गया है। ऐसा बहुत ही कम दिन आते हैं यहाँ पे, हमारे यहाँ पे, कि घी जो है सॉरी ऑयल जो है वो इस तरह से सेट हो जाए। तो उन्होंने ये फर्स्ट टाइम देखा, इसीलिए मैं मुझे ऐसा बोल रहे थे कि मम्मी घी मत लगाओ बाल में। बट अभी फ़िलहाल वो नॉर्मल हो गया है ऑयल जो था वो। लेकिन रात के टाइम कुर्ता श्रुति सोते हैं तो मैं उनको स्वेटर पहनाती हूँ, स्वेटर के साथ कैप अटैच है वो लगा देती हूँ एंड सॉक्स पहनाती हूँ, नीचे फुल लहंगी पैंट्स पहना देती हूँ। तो क्योंकि वो सो जाते हैं, मैं भी सो जाती हूँ, फिर ब्लैंकेट रखते हैं नहीं रखते हैं, मैं बार बार उनको उठाती रहती हूँ लेकिन कृतिक जो है वो निकाल देता है। तो इसीलिए मैं स्वेटर और सब कुछ पहना के रखती हूँ दोनों को रात को, और मैं सिर्फ सॉक्स पहनती हूँ। अभी फ़िलहाल ठंड नहीं है तो मैं स्वेटर नहीं पहनती हूँ, अदरवाइज़ ठंड रहती है तो मैं रात को भी स्वेटर पहन के सो जाती हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं खाली सॉक्स पहनती हूँ, अभी थोड़ा ठंड की सीज़न है तो। और हमारे यहाँ पे मॉस्किटो की प्रॉब्लम बहुत ही है, इसीलिए हम लोग मॉस्किटो नेट में सोते हैं। अंदर बेडरूम में डोरी चार लगाई हुई है तो चारों कोनों से बांध के हम लोग फिर फिक्स कर देते हैं अंदर, तो हम उसी में सोते हैं। तो क्या होता है कि अभी पहले तो कुर्ता श्रुति रात को सीधे ही सोते रहते थे, बट अभी दोनों क्या करते हैं टेढ़े हो जाते हैं। टेढ़े मीन्स कि मेरे मुँह पे सब जगह पे उनके पैर से मुझे रात को मारते रहते हैं, दोनों मिलके मारते हैं रात को। वो दोनों तो सो जाते हैं, उनको तो पता नहीं रहता है, बट फर्स्ट कृतांश या कृतिक रहता है, फिर मैं रहती हूँ, बाद में फिर कृतांश या कृतिक रहता है, और फिर लास्ट में राकेश रहते हैं। तो वो दोनों के बीच में मैं रहती हूँ, तो दोनों घूम जाते हैं रात को नींद में, और सर राकेश के ऊपर एक का चला जाता है, पैर मेरे पे आ जाता है, दूसरे का साइड में पीलो रहता है तो उस पे चला जाता है, पैर मेरे पे आते हैं, दोनों मिलके मारते हैं रात को नींद में मुझे। एक बार कृतांश था, कृतिक पता नहीं कौन तो था, जोर से उसका पैर जो था मेरे आँख पे ही लगा मेरे को, तो रात को नींद में सूरज दिख गया। सबको दिन में तारे नजर आते हैं, मेरे को तो रात को सूरज दिख गया। दोनों सारी रात मुझे मारते रहते हैं, और रात को सच में पैर पड़ता है ना मुँह पे या कहीं पे भी जोर से लगती है। राकेश को नहीं मारते, राकेश के ऊपर सिर्फ सर जाता है, मेरे पे ही लाते आती रहती है, दिन भर मैं रखती हूँ और मार भी मैं ही खाती हूँ। तो पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या करूँ, क्या सॉल्यूशन लाऊँ, क्योंकि मॉस्किटो है तो साथ में मॉस्किटो नेट में सुलाना ही पड़ेगा। देखती हूँ अभी क्या करूँ, दोनों बहुत मारते हैं। तो इस व्लॉग को फ्रेंड्स मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली आपको ये मेरा आज का व्लॉग पसंद आएगा, तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ बाजू में जो बेल का आइकॉन आता है ना उसे भी दबा दीजिए, ताकि लेटेस्ट मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन जो आती है आपको मिलती रहे। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।